जैसे ये मेरा अडेनियम का प्लांट है और आप खुद ही देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन कितनी ज्यादा अच्छी हो गई है। मतलब इसमें हर एक ब्रांच में आपको फूल और कलियां नजर आ रहा होगा। मतलब इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है और लीव्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा शाइन है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन अडेनियम का जो प्लांट है वो मतलब कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितनी अच्छी मतलब इसकी कंडीशन है इस समय। तो अगर आपने जो मेरा इससे पहले जो 45 डेज के बाद इसमें फूल आ रहा है, यानी हमने 45 डेज में मतलब 7 मार्च को आप लोगों के साथ जो है इसका वीडियो शेयर किया था मैंने, तो उस समय जो प्लांट की कंडीशन है वो आप एक बार देख लीजिए। तो 7 मार्च को ये प्लांट कुछ इस तरह से था। तो हमने इस प्लांट को गमले से निकाला था, इसको अच्छी पॉटिंग मिक्स भी दी थी, इसके एक जो जगह पर थोड़ा सा फंगस भी लगा हुआ था उसे भी ठीक किया था और ब्रांचेस कट किया था और उसके बाद फंगिसाइड लगाया था और इन ब्रांचों से मैंने कटिंग्स भी ग्रो किया था और वो भी सक्सेसफुल हुआ है और उसका चैनल पर वीडियो है। तो प्लांट जो है ऐसा था जब मैंने इस पर काम करा था और अब जो है आपने देखा कि ये जो है इस तरह की कंडीशन है, बहुत अच्छी जो है इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो गई है। एक दो कमेंट आया था क्योंकि मैंने इसके जो यहाँ पर जो है फंगस लगा हुआ था तो मैंने इस ब्रांच को कट करने के बाद में यहाँ पर फंगिसाइड लगाया, तो यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव किया और बहुत अच्छे से फूल आए। तो उस समय रिपोर्टिंग के बाद में मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइजर अभी तक नहीं दिया है, लेकिन अब क्योंकि 45 दिन हो चुका है तो हमने जो भी न्यूट्रिशंस दिया था उससे ही प्लांट ने इतनी ज्यादा ग्रोथ की है और फ्लावरिंग स्टेज तक आ गया है। मतलब हमारा फर्टिलाइजर वगैरह सब ठीक था, पॉटिंग मिक्स काफी अच्छा हमने बनाया था, न्यूट्रिशन से भरा, तभी इसमें फूल आ चुका है। और अब इसमें वापस से जो है न्यूट्रिशन देना पड़ेगा क्योंकि 45 डेज बहुत ही लॉन्ग टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजर है ये 4 तरह के फर्टिलाइजर मैं यहाँ पर बता रही हूँ और ये सभी जो है प्लांट की ग्रोथ भी करेगा और फ्लावर भी लाएगा और ज्यादा। तो यहाँ पर एप्सम सॉल्ट है 1/3 चम्मच, सीवीड है 1/2 चम्मच, एनपीके जो 10-26-26 सुफोला बोलते हैं वो जो है आपका 1/4 चम्मच लिया हुआ है और उसके साथ में एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट वो भी 1/2 चम्मच है। यानी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम है, आप देख सकते हैं मैंने कोई भी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं यूज किया है। तो आप क्वांटिटी ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी के टाइम में आप बहुत मतलब सारा फर्टिलाइजर अपने प्लांट को नहीं दे सकते, तो बहुत ही कम दीजिए, बट देना जरूरी है इसीलिए क्योंकि अभी पूरा प्लांट जो है कलियों से भरा हुआ है, इसलिए तो मैंने जो है सॉइल में ही दे दिया है, आपने देखा। बस अब अच्छे से पानी दे दिया है प्लांट में। दूसरे यहाँ पर जो 4 न्यूट्रिशन हमने दिया है ये सभी जो है आपके प्लांट में अगर फूल या कलियां नहीं बन रही है तो भी बनेगी और अगर बनी भी है तो उनको प्रॉपर तरीके से खिलने में मदद करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया है एनपीके 10-26-26 जो कि उसमें पोटाश की मात्रा भी 26 रहता है और जो फास्फोरस है वो भी 26 रहता है, यानी आपके जो रूट्स है वो भी ग्रोथ अच्छी करेगा और फ्लावर भी आएंगे। दूसरी चीज यहाँ पर मैंने दिया है एसएसपी जो आपके प्लांट में क्लोरोसिस का काम अच्छा कराएगा और साथ में फ्लावर भी लाएगा और पत्तियों में चमक भी आएगी, और उसके साथ सीवीड दिया है वो भी फ्लावर लाने में भी मदद करता है और साथ में बाकी जो न्यूट्रिशंस जो एनपीके वगैरह में नहीं होता वो सब मिल जाता है सीवीड का। सीवीड का अलग से चैनल पर वीडियो शेयर है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके साथ एप्सम सॉल्ट दिया है जो इस कड़ी धूप में हमारे प्लांट को जो खड़ा रहने की शक्ति है वो भी देगा। एप्सम सॉल्ट देने से फ्लावर भी आता है और प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है अगर आपका प्लांट फ्लावर नहीं दे रहा है तो। तो 4 न्यूट्रिशंस काफी जरूरी है इस समय प्लांट के लिए, अगर आप फूल लेना चाहते हैं तो जरूर से दीजिए। अपने प्लांट को बहुत ही हेल्दी तरीके से आप इसको रख सकते हैं क्योंकि ये पूरा बहुत ज्यादा तेज धूप भी अगर आपके वहां हो रही है तब भी ये चल जाएगा, ये जो एडेनियम का प्लांट है, क्योंकि इसे डेजर्ट रोज भी कहते हैं तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी सह पाता है और उसमें भी बहुत अच्छे से फूल आएगा, बहुत अच्छे से आपका प्लांट चलेगा। तो आप जरूर से ये अपने गार्डन में भी ऐड कीजिए, इसमें काफी ज्यादा वैरायटीज मिल जाती है।
सिर्फ फंगस से इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर आपने मिट्टी अच्छे से तैयार किया होगा, मतलब अगर पानी नहीं जम रहा है आपके गमले में, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा और फूलों की कभी कमी नहीं होती है इसमें, काफी अच्छे से फ्लावरिंग पर आता है अगर आपने टाइम पर फर्टिलाइजर वगैरह दिया है, प्रॉपर धूप दिया है, पानी अच्छे से दिया है। और इस प्लांट को पानी की बहुत ज्यादा मतलब नहीं जरूरत होती है, आप दिन में एक बार भी पानी देंगे तब भी पत्तियां वगैरह मुरझाती नहीं है, एक बार देने से ही सफिशियंट रहता है इसके लिए। तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।